जडेजा के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपर किंग ने आरसीबी को 69 रनों से हरा दिया। वहीं आईपीएल 14 के 19वें मुकाबले में सीएसके ने रविंद्र जडेजा ने 28 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के जड़े। जडेजा ने गेंदबाजी में भी दम दिखाया। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके अलावा उन्होंने 1 रन आउट भी किया। जडेजा को उनके ऑलराउंडर खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। वहीं इस मैच का टर्निंग पॉइंट चेन्नई की पारी का आखिरी ओवर रहा। जडेजा ने आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को निशाना पर लिया। उन्होंने इस ओवर में 5 छक्के और 1 चौका जड़ा। हर्षल पटेल के इस ओवर में 37 रन बने। जडेजा ने यह कारनामा कैसे किया, इसका खुलासा उन्होंने मैच के बाद किया। वहीं जडेजा ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें हर्षल पटेल की गेंदबाजी के प्लान के बारे में ही बता दिया था। जडेजा ने जीत के बाद कहा, मैं अंतिम ओवर में गेंद को हिट करने के बारे में सोच रहा था। माही बाई ने मुझे पहले ही बताया था कि हर्षल पटेल गेंद को ऑफ स्टंप पर करेंगे और मैं उसके लिए तैयार था। मैं गेंद को सही से कनेक्ट कर पाया और टीम को 191 के स्कोर तक पहुंचा दिया। वहीं अंतिम ओवर हमारे लिए काफी अहम रहा। मैं जानता था कि अगर मैं इस ट्रैक पर रहा तो ज्यादा रन बना सकता हूं। आज मेरा दिन नहीं था, बस 1 रन आउट कर पाया। मैं उससे काफी खुश हूं। मैं आपको बता दें कि सीएसके के स्टार ऑलराउंडर ने आगे कहा, मैंने आज खेल का पूरा लुत्फ उठाया। जब आप टीम की जीत में अहम योगदान देते हो तो काफी बेहतर महसूस होता है। मैं अपनी फिटनेस और प्रतिभा पर काफी मेहनत करता हूं। खुशकिस्मत है कि मैं आज मैदान पर भी कमाल दिखाने में कामयाब हुआ। मैं ट्रेनिंग में कभी 3 चीजों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग पर कभी काम नहीं करता। मैं एक बार अपनी प्रतिभा पर काम करता हूं और फिर अगले दिन फिटनेस पर, इसी तरह वर्कलोड और मैनेज करता हूं। वहीं शानदार जीत के बाद सीएसके अंक तालिका में टॉप पर काबिज हो गई है। उसके 5 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक हो चुके हैं। इस सीजन में पहला मैच हारने वाली आरसीबी दूसरे स्थान पर खिसक गई। उसके भी 8 अंक है, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर सीएसके पहले स्थान पर पहुंच गई है। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।